दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन को रात भर चार्ज में लगा करके छोड़ देते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविशंकर पाठक और आप देख रहे हैं माई प्राइमरी सॉल्यूशन। दोस्तों, जब आपके फ़ोन की बैटरी कम काम करने लगती है या आपका फ़ोन गर्म होने लगता है या आपका फ़ोन थोड़ा थोड़ा हैंग करने लगता है तो आपको कोई भी बोल देता है कि भाई अपने फ़ोन की बैटरी को ज़्यादा देर तक चार्ज मत किया करो, या आपकी बैटरी जब 90% चार्ज हो जाती है तो चार्जिंग से निकाल दो। ऐसा आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, मैं भी बोला हूँ, मैं कोई दूध का थूला नहीं हूँ, मैं भी बोला हूँ ये बातें। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात भर चार्ज करो, दिन भर चार्ज करो, गलती से अगर आपका फ़ोन चार्ज में लग करके छूट भी जाता है, आपका ध्यान से उतर भी जाता है कि मैंने चार्ज पर लगाया था, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज होने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अब जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें ऑटो कट चार्जिंग की सुविधा मिल रही है। जो ही आपकी बैटरी 100% चार्ज होगी, ऑटोमेटिक ही चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं, जो ही आपका फ़ोन 100% चार्ज होगा यानी कि आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी, आपका फ़ोन चार्ज होना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि चार्ज होता रहेगा, बंद हो जाएगा। बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए। और कैसे चेक करेंगे, इसको कैसे करना है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल का आइकन दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक करके आप उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने फ़ोन का इंटरनेट बंद करना है। बंद करने के बाद आप अपने फ़ोन को चार्ज पर लगाइएगा, फ़ोन को 100% तक चार्ज कीजिएगा जब तक आपके फ़ोन की बैटरी फुल नहीं होती है, ठीक है। और आपका फ़ोन जो ही 100% चार्ज हो जाएगा तो आप अपने फ़ोन को देखिएगा, क्या 100% के बाद भी आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है, आपका फ़ोन की चार्जिंग कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, ठीक है। बस ये देखिएगा कि आपके फ़ोन की चार्जिंग कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। अगर चार्जिंग रुक गई है, चार्ज होना फ़ोन बंद हो गया है, ठीक है, तो बस आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपके फ़ोन की बैटरी ख़राब ही नहीं होगी। मान लीजिए आप रात में कभी गलती से फ़ोन को चार्ज में लगा करके सो भी गए तो आपका फ़ोन ख़राब नहीं होगा, बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके फ़ोन की बैटरी 100% चार्ज होने के बाद भी वहाँ पर चार्जिंग कनेक्टिंग लिखा हुआ है, चार्ज कनेक्ट है, तो भाई आपके लिए बहुत ही बुरी बात है। आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगा करके मत छोड़िएगा, 100% चार्ज होने से पहले ही आप अपने फ़ोन को चार्जिंग से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अभी कभी आप चेक कर लीजिए कि आपके फ़ोन में ऑटो कट चार्जिंग की सुविधा है या नहीं है। तो बस आज की वीडियो में बस यही बतानी थी। तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें किसी ने भी बताई भी नहीं होगी, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल का आइकन दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक करके आप उसको ऑन कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।